रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 7:30 बजे विक्ट्री डे परेड में शिरकत करेंगे। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम के अलावा एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच राजनाथ की रूस यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। वो S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस से बातचीत कर सकते हैं। भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें MiG-29 और 12 सुखोई 30MK शामिल हैं। राजनाथ ने बातचीत को संतोषजनक बताते हुए उम्मीद जताई है कि रूस के साथ जल्द ही रक्षा समझौते पूरे होंगे। इन सब के बीच रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि मॉस्को में राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है।